दिमाग ना रखते, हम क्या पागल हैं? हम रोटी नहीं खाते, हम अन्न नहीं पैदा करते, हम पागल हैं? हम किसी के सिखाए माएंगे? हम पढ़े लिखे ना हैं? ऐसे हम बेवकूफ नहीं है जो भटकाए माँ, वो बताएंगे हमें किसान। हम अगर ये हमें कहते हैं ना हम किसान नहीं है, तो हमारे उगाए हुए गेहूं के आटे की साले रोटी खाना छोड़ दें। किसानों के लिए अगर इन्होंने इतना सा भी सोचा होता दाल में आटे के बराबर भी, तो ये किसान सड़कों पे नहीं होता। ये आतंकवादी हमें बताते हैं तो आतंकवादी को खुली छेद दो के देख और रखिए हमें सड़क पे, यहाँ हमें गिरफ्तार करना है या गोली चलवाओ हम पे। कितना किसान, एक दो किसान, एक किसान मूर्ख हो सकता है, दो हो सकता है, ये कितना 10 लाख के करीब किसान बैठा हुआ है पूरी दिल्ली के इधर उधर, क्या सारे मूर्ख हो गए? आपने कभी सुना है खालिस्तान का नारा? हम 25 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं, हमने तो एक बार नहीं सुना खालिस्तान का नारा। शुरू से इनकी चाल रहती है कि धर्म के नाम पर इनको बांटा जाए। अगर कोई आवाज उठाता है जी, उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह दबा दें। अपने ऊपर लेबल लगते हैं खालिस्तानी के, पाकिस्तानी के, तो दैट्स नॉट राइट। मुसलमान होना, सरदार होना कोई आतंकवाद की निशानी नहीं है। आप कुछ ऐसा बोलते हैं, आपके मुंह से गलती है साफ दिल होने की वजह से। नोटबंदी लेकर आया, इससे इतना फायदा हो जाएगा, फिर उसके बाद GST लेकर आया, इससे इतना फायदा हो जाएगा, कहाँ गई GDP, कहाँ जा रहा है? फिर GDP माइनस में चला गया, और कृषि कानून लेकर आया, इससे इतना फायदा हो जाएगा। पहले जो पहले फायदा नहीं हुआ, इससे क्या फायदा हो जाएगा? ये कभी खालिस्तानी बोलता, कभी पक्षवादी बोलता। हमारे बच्चे जो बॉर्डर पे मरने के लिए तो सबसे आगे सिख रेजिमेंट, राज करने के लिए ये किसान है, इनको खालिस्तानी बना दो, ये बना दो, ये तो इनका प्रोपेगंडा है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। कोई भी आदमी अपना हक मांगेगा, अपना कोई भी मांगेगा, किसके ऊपर इन्होंने इल्जाम नहीं लगाए? जिसने भी व्यापारियों ने मांगा उनको GST नहीं बताया, CA के बारे में मुसलमानों को नहीं बताया, अभी किसानों को नहीं है, ये खेतीबाड़ी का कानून नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं भड़काया। नहीं जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे, इनको मना के छोड़ेंगे, मना के जाएंगे इनको, ये कानून वापस जितनी देर तक नहीं होगा हम नहीं हिलेंगे। इतिहास बदलता है, अपनी करवट लेता है, वो दिन आता है, वो दिन आ गया, बहुत ही दूर नहीं है। अब मोदी को बताएंगे इन्होंने सरदारों से पंगा लिया है, अब हमारे बच्चे भी बोल रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, गोली नहीं खाएंगे, ये ले जाए अपनी वो कच्छों वाली सेना। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, ये अडानी मानी लेकर आके बेचेंगे देश को, ये देश को बेचेंगे, गुलाम होगा देश। अगर मुस्लिम अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो आतंकवादी है, अगर सिख अपने हकों के लिए खड़े हों तो वो खालिस्तानी है, शहरी अपने हक के लिए खड़ा हो तो वो अर्बन नक्सल है। आज यहाँ पे अर्बन नक्सल और खालिस्तानी और आतंकवादी मिल के लंगर चला रहे हैं ना यहाँ पे। दिल्ली हमारी है, इनके बाप की है, मोदी के बाप की है दिल्ली, दिल्ली हमारी है। कोई लेना देना ही नहीं किसी ना, साडा अपने कितने ना लेना देना, असीं रोटी खानी है, आनी अपनी अपनी होंद बचानी, अपनी पग बचानी है। बोले सोनेहा।